सो प्यारे स्टूडेंटों, आज हम क्लास टेंथ के लिए राजस्थान 10वीं बोर्ड 27 मार्च को होने वाले गणित के पेपर के लिए एक रियल पेपर की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आए आपके लिए, जो आपके 27 मार्च को गणित का पेपर होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र साबित होगा। खास करके फेल होने वाले बच्चों के लिए, गणित विषय में जो फेल होने की कगार पर है वो स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र को एक बार जरूर देखें। 100% गारंटी है, बहुत सारे प्रश्न है वो इस पेपर से आपके मेन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इस संपूर्ण पेपर के सॉल्यूशन को जानेंगे, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। डिटेल में इस पेपर के सभी प्रश्नों, सभी सवालों का सॉल्यूशन करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर में परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश पूछे जाएंगे, वो आपको पढ़ लेने हैं। हम सबसे पहले पेपर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में सबसे पहले खंड अ पूछा जाएगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहने वाला है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। स्टूडेंट, इसमें पहला प्रश्न पूछ जाए कि 144 और 198 का मसप क्या होगा, यानी कि 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक कहे या फिर मसप कहे। तो ये आपको मसप निकालना है, तो इसका मसप क्या होगा इसको आपको निकालना है। तो इसका मसप जैसे ही निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर आपका 18 राइट आंसर आएगा। मसप 144 और 198 का मसप आपके 18 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस पाँच और 3 प्लस एक्स की घात है, एक्स माइनस पाँच और 3 प्लस एक्स की घात आपको बतानी है। तो यहाँ पर एक्स की घात आपके ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यानी 2 कहे या ब कहे दोनों ही राइट है। यहाँ पर आपकी इसकी घात क्या होगी, 2 इसकी घात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, बिंदु -3.5 को कौन से चतुर्थांश में होगा, -3.5 कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए ये आपके आलेख है, इसमें आपको चतुर्थांश बता होना चाहिए, 4 चतुर्थांश होते हैं और पूछा है कि माइनस का 3 और 5, यानी कि माइनस का 3 होगा एक्स का और 5 होगा आपके वाई का, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, यानी ये वाला चतुर्थांश में इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बुझाएगी आंकड़ों 5, 7, 6, 5, 6, 8, 4, 5 का बहुलक है, बहुलक यानी कि अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार संख्या है वो कौन सी आ रही है, 6 है, वो आपके यहाँ पर अधिक बार आ रही है 6, अर्थात 2 बार 6 का प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब यानी कि 6 इसका बहुलक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से इसको देखना है। नेक्स्ट है कि एक खंभे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खंभे की परछाई की लंबाई आपको 2 मीटर दी और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपको 60 डिग्री है वो दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके सर राइट आंसर होगा, यानी 3, यानी कि 2√3 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। जैसे कि खंभे की लंबाई है आपके 2√3 मीटर इसकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पूछा है कि बिंदु -x, -y की मूल बिंदु से दूरी है, इसमें आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो दूरी सूत्र आपके लगता है √x² + y², ये आपके इसका राइट आंसर होगा। मूल बिंदु से दूरी होगी x² + y². उसके बाद नेक्स्ट है कि समांतर श्रेणी a, 3a, 5a... का nवां पद है, इसका आपको nवां पद है वो आपको ज्ञात करना है। nवां पद आपके होगा a, यानी 2, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा a, कोष्टक 2n-1 आपके nवां पद होगा ये। तो इस तरीके से इसका आंसर बताना है आपको। उसके बाद पूछा है कि सभी व्रत होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं समरूप। उसके बाद नेक्स्ट है कि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कॉस ए का आपको मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर
4/5, तो कॉस ए का मान आपके होगा 3/5। कॉस ए का मान आपको निकालना है, तो क्या मान आएगा यहाँ पर 3/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो 45 इसका योगफल होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखा है, एक वृत्त है उसके बाह्य स्थित बिंदु है कोई, वहां से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, अधिकतम स्पर्श रेखाएं है वो कितनी खींची जा सकती है, वो आपके 2 खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर ब यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है कहलाती है, तो वो आपके छेदक रेखा कहलाती है, क्या होती है, छेदक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटती है। नेक्स्ट है कि आंकड़े 15, 14, 15, 12, 10, 8, 13, 4 और 9 में परिसर होगा, तो इसमें परिसर आपकी 11 होगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा क्या होगी, यहाँ पर परिमाप है, एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है, ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपके 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि एक बासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता बतानी, तो 3 का गुणज आपके इसको निकालेंगे तो 1/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, इसको रिक्तस्थान की पूर्ति करने खाली जगह वाले आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पहला पूछा है कि किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता खाली जगह होती है, किसी असंभव जो घटना होती है उसके होने की प्रायिकता आपकी हमेशा 0 ही होती है, याद रखना है। और नेक्स्ट है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग खाली जगह ज्ञात करने में किया जाता है, तो माध्यिक ज्ञात करने में संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं, माध्यिक निकालते तो तीसरी टेबल के अनुसार वो पहले संचयी बारंबारता निकालते, उसके बाद माध्य निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि घन ऐसा घनाप है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल खाली जगह होता है, तो आपके समान होता है, घन ऐसा घनाप है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आपके समान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खाली जगह है। नेक्स्ट है यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो b बराबर खाली जगह होता है, तो b बराबर a+c/2 होता है, क्या होता है, b बराबर a+c/2 होता है, यानी ये इसका आंसर होगा, इसमें भरना है। नेक्स्ट है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खाली जगह स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खाली जगह एक स्पर्श रेखा है वो खींची जा सकती है। नेक्स्ट है कि टेन 30° और टेन 60° का मान होता है, तो टेन 30° और टेन 60° का मान है आपके 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये खाली जगह है। नेक्स्ट है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य खाली जगह होता है, तो वो आपकी 11 होता है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य आपके 11 होता है। उसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक सवाल आते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि संख्या 72 और 120 का लघुतम समापवर्तक यानी कि LCM ज्ञात करना है, और इसका 72 का LCM निकालना है और 120 का निकालना है, आंसर है वो 360 आएगा इसका महत्तम समापवर्तक, लघुतम समापवर्तक यानी LCM आपके 360 आएगा। उसके बाद आपको के बाद नेक्स्ट पूछा है कि बहुपद x2+4×k का 1 0 2 है, तो k का मान इसमें आपको ज्ञात करना, जिसमें आपको k का मान ज्ञात करना, जिसमें आपको 4+8=k 0 और k बराबर -k 12 हो जाएंगे, 4+8 को प्लस करेंगे तो -k 12 यहाँ पर k का मान आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है, तो इसमें इसे बीजगणित के रूप में आपको लिखना है, तो 7x+5x=29 इसका तुल्य मूल्य हो जाएगा, तो इस तरीके से बीजगणित यानी समीकरण के रूप में इसको लिखना है। और नेक्स्ट है कि 2 समरूप त्रिभुज ABC व PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, यदि PQ = 10 सेंटीमीटर हो तो AB आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको AB ज्ञात करनी है, AB किस प्रकार ज्ञात होगी, यहाँ पर देख सकते हैं AB = 36/4 हो जाएगा और इनटू में P और Q आ जाएगा, और 36/24 इनटू PQ पे आप 10 रखेंगे और बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर इसका आपके PQ आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। उसके बाद एक गोले का अपृष्ठ क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर है, उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या आपको निकालनी है अंडर रूट में 100 पाई और बट्टा में आ जाएगा आपके 4 पाई, तो उसको सॉल्व करेंगे पाई के साथ ही 100 को सॉल्व करेंगे और 4 को सॉल्व करेंगे अंडर रूट में, तो आपके 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, उसको सॉल्व करके आपके आयतन हो जाएगा 89
89.83 घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल जाएगा। और नेक्स्ट है कि निर्देशांक 4.3 में भुज और कोटि ज्ञात करनी है, तो भुज आपकी हो जाएगी 4 और कोटि आपकी है वो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा का क्षेत्रफल लिखना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके क्षेत्रफल लिखने का थीटा बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है इसका। और नेक्स्ट है कि सूर्य के उनियन कोण में वृद्धि 0 से 90 डिग्री होने से किसी मीनार की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, लिखिए। तो कमी क्या होगी इसमें, कमी होगी कि सरलतम मान इसमें लिखना है, जिसमें हो जाएगा आपके √1 − sin² 40 और बट्टा में आ जाएगा cos 40 डिग्री। उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि cos 40 डिग्री बट्टा cos 40 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो बराबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके खंड पर आता है, बड़े बड़े सवाल आते हैं जिसमें आपको दो संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो 616 और आपको 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। HCF आपके 2 का Q और बराबर 8 इसका HCF आ जाएगा। इसके बाद आपके द्विघात बहुपद 2x² − 6x + y के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें योग बराबर 3 होगा और गुणनफल बराबर आपके 2 आ जाएगा। इसके बाद है दो संख्याओं का अंतर 26 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 × 4 अधिक हो तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको मान के चलना कि बड़ी संख्या आपके x हो गई और छोटी संख्या बराबर y हो जाएगी। प्रश्नानुसार समीकरण में देखें तो x − y = 26 हो गया इसमें, और x − 3y = आपके 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दिया कि दिए गई आकृति में यदि PQ पैरेलम RS हो तो सिद्ध करना है त्रिभुज POQ सर्वाग्रसम त्रिभुज SOR है। तो इसको डायग्राम में इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो उत्तर इसका पूरा देख सकते हैं आप, पूरा इसका उत्तर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको शीर्षा भूमिक के अनुसार इसको सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQR सर्वाग्रसम त्रिभुज SOR है। तो इति सिद्धम करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं पूरे सवाल को। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां कि बिंदु −3, 10 और 6, −8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु −1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन से सवाल पूछा है। आप रेखाखंड खींचने के बाद इसको दर्शाएंगे, इस बिंदुओं को दर्शाएंगे, उसके बाद इसको सूत्र लगाना है, इसके बाद इसका सूत्र लगाना है और सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपके 2:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बाद नेक्स्ट है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 और cos b = 1/2 हो तो a + b का मान ज्ञात करना। साइन ए बराबर 1/2 और बराबर sin 30 डिग्री हो गया, अर्थात a = 30 डिग्री और तथा cos b = आपके हो जाएगा 1/2 के साथ cos 60 डिग्री लग जाएगा और b = 60 डिग्री हो जाएगा, यानी a + b = 30 + 60 = 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। उसके बाद 10वां कि एक वृक्ष से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि किस ऊपरी सिर पर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस वृक्ष की कुल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ABC आपके समकोण त्रिभुज के अनुसार 30 डिग्री आपको दिया गया है और 4 सेंटीमीटर इसका लंब दिया है और इसकी आपको ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद 11वां के सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर समद्विभाजित करके आपको बताना किस प्रकार समद्विभाजित होती है। और ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं और बड़ी जीवा के साथ इसको देखें तो AB जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना आपको कि AP = BP आपको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आप इसे फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको OP है वो लंब AB के लिया गया है, बिल्कुल आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक घड़ी के घंटे की सुई की 6 सेंटीमीटर लंबी है तो 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र याद होना चाहिए। इस प्रकार आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार आप ज्ञात कर सके π r² / 360° × θ के साथ इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान रखना। इसके बाद इसको ज्ञात करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद 13वां सवाल आता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, जहाँ पर आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं h मान के चलना, और गोले का आयतन आप किस प्रकार होता है इसका सूत्र। गोले के आयतन में मान रखने, आयतन के सूत्र में मान रख के इसका आपको 2.74 सेंटीमीटर इसका मिल जाएगा आंसर। राइट आंसर इसका 2.74 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर बंटन दिया गया और बंटन का माध्य तथा बहुलक आपको ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के पहले सबसे पहले बंडन को आपको आरोही क्रम में लिखना और कुल आपके 9 पद हो जाएंगे
और 9 9+1 हो जाएगा, तो पांचवा पद आपको ज्ञात करना, बंटन में पांचवा पद देखना कौन सा है, 6 तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो माध्यक बराबर आपकी 6 हो जाएगा और सबसे अधिक बार आने वाली संख्या आपकी बहुलक कहलाती है, यानी बंटन में सबसे अधिक बार संख्या जो आती है वो आपके 9 हो जाएगी, जो आपके इसका बहुलक बराबर 9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 और अर्थात 365 बटा आपको 7 दिन होते हैं, तो बराबर 52 सप्ताह और 1 दिन हो गया इसका, और इसमें आप देख सकते हैं कि रविवार आपके हो गया इसमें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पी बराबर 1/7 होगी इसकी प्रायिकता। और खंड इसके बाद खंड 7 आता है, इसको आप पूरा सवाल को देखिए कि दी गई आकृति में ओ एक वृत्त केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ए सी और सी बी खींची गई, तो सिद्ध करना आपको ए ओ बी और ए सी बी संपूरक है, तो इस प्रकार इसको सिद्ध करना, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सिद्ध करने वाले सवाल आपके बहुत आएंगे, तो इसको आप प्रमेय के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इसके अथवा में भी पूछा गया है एक सवाल, इसी के अथवा में पूछा है कि सिद्ध करना है किसी वृत्त के परिगत समांतर शतुर्भुज सम शतुर्भुज होता है, तो किसी वृत्त के समांतर शतुर्भुज और सम शतुर्भुज होता है, वृत्त के परिगत इसे यहाँ पर दिया है डायग्राम, इसको भी आपको सिद्ध करना है, तो आप इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बड़े बड़े सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दर्शाए गए बिंदु 1.7 और 4.2 और -1.-4 और -4.41 वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग के शीर्ष है इसको आप बराबर भागों में विकर्ण के बराबर होते हैं, तो इस प्रकार आप भुज ए भी बराबर यहाँ विकर्ण के शीर्ष है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इस प्रकार इसको आपको स्पष्ट करना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और अथवा में सवाल दिया इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन यहाँ पर अनुपात आपको निकालना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर आपके 3:4 इसका आंसर आ जाए। और 18वां सवाल भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, तो एपी के 3 प्रथम पद आपको यहाँ पर ज्ञात करने, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, और ए बी के प्रथम 3 पद आपके 13 -8 और -3 इसमें आ जाएगा, उसके अथवा में पूछा है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आने लायक ये सवाल है, इसका भी एन पदों का योग निकालना है, एन का सूत्र लगा के एन स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और 19वां सवाल आपको पूछा है कि कल्पित माध्य बनाकर निम्न बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी कल्पित माध्य विधि से इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इस जो बंटन दिया वर्ग अंतराल और बारंबारता के निकालने के बाद इसका कल्पित माध्य आपको निकालना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पित माध्य विधि से आप माध्य निकालना सीख जाए, जिसमें ए बराबर आपको मानना पड़ता है 47.5 इसमें मानना पड़ेगा, और इसमें आप कल्पित माध्य है वो निकाल रहे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कल्पित माध्य का, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा ई एफ निकालने के बाद इसको आप निकाल सकते हैं, इसका आपके 63 आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें आपको माध्य है वो 50 दिया और x और y के मान आपको बताने, माध्य है 50 दिया और बारंबारता बंटन में x और y के आपको मान निकालने, जिसमें x बराबर तो आपके 50 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करना, तो इसमें बारंबारता बंटन को सॉल्व करना है, तो बारंबारताओं का योग आपको बना के इसको सॉल्व करना है, तो समांतर माध्य से निकालेंगे इसको, उसके बाद 7 के गुणा के उस समीकरण घटाने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके 28 आ जाएगा, और 28 को आपको समीकरण 1 में y पर रखने के बाद इसका राइट आंसर आपके x बराबर तो 28 आ जाएगा और y बराबर आपके 24 आ जाएगा, ये आपको बंटन में बारंबारता बंटन में आपको अंकित करना। उसके बाद आपके खंड 10 आता है, यानी सिद्ध करना फाइंड करना ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आएगा, 20वां सिद्ध करना है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि 1+sec a / sec a बराबर sin²a / 1 - cos², 1 - cos a को आपको निकालना है, तो इसको आपको सिद्ध करना LHS लेके चलना है और RHS है वो लेके आना, तो इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको स्वर समीका अच्छे से आनी चाहिए, कौन कौन से स्वर समीका लगती है वो आपको निकालना है, उसके बाद RHS है वो आपके sin²a और बट्टा में 1 - cos a आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अथवा में है, इसको भी सिद्ध करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नेक्स्ट ईयर भी पूछा गया था, √1+cos a / 1 - cos a बराबर आपको cosec a + cot a आपको निकालना है, तो इसमें LHS लेके चलना और अरो का प्रमेयीकरण करके इसको सॉल्व करना, जिसमें आपके यहाँ पर आ जाएगा कि 1/sin a बराबर cosec a होता है, उसका उल्टा कर दे तो cosec a होता है, cos a = sin a आपके cot a होता है, यहाँ पर थीटा की जगह a माना है यहाँ पर, तो आपके cos a + cot a आपके RHS यानी इति सिद्धम आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 21वां सवाल पूछा है, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके,
और अथवा में सवाल है, इसको भी आप देख सकते हैं। अथवा के सवाल को संपूर्ण इस तरीके से सॉल्व किया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इस पेपर को अच्छे से तैयार करना है। और 22वां लास्ट सवाल यहाँ पर पूछा है आपको, 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू इंधन के परिवार के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करनी, यानी इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इस बंटन को देख सकते हैं, इस बंटन को देखने के बाद बहुलक का सूत्र लगाकर आपको सभी मान निकालने के बाद इसका आप बहुलक है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुलक आपका आ जाएगा यहाँ पर 1847.83 इसका बहुलक आ जाएगा। और इसके हेतुआ में वो माध्यक निकालना इसका, तो इसको आपको माध्यक कह सकते हैं इसको आप संचय बारंबारता के मध्य से आप इसका माध्यक है वो निकाल सकते हैं आसानी से। और माध्यक है वो आप इस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर आप माध्यक है इसका आंसर 3406.98 घंटे इसका जीवन काल यानी मध्य का आ जाएगी इसकी। ये आपका संपूर्ण गणित का पेपर था जो हमने आपको पूरी तरीके से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र एग्जाम की दृष्टि से। तो प्यारे स्टूडेंट, इस पेपर को आप जरूर तैयार करें, 100% गारंटी। इस पेपर की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से इस पेपर को संपूर्ण अच्छे तरीके से आंसर सहित आप इसको देख सकते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। पास होने वाले बच्चे तो अच्छे मार्क्स हासिल कर ही लेंगे, और जिसको भी ये पेपर अच्छे मार्क्स हासिल करने मैथ्स में, वो भी इस प्रश्न पत्र को देख कर अच्छे से अच्छे मार्क्स है वो हासिल कर सकता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।